मशाइक बोर्ड इटावा यूनिट की तरफ से मुस्लिम लड़कियों का होगा शादी सम्मेलन, जिसमें सभी धर्म और मजहब के लोग लेंगे हिस्सा, देंगे दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद। देखिए रिपोर्ट। दोस्तों आप देखें पब्लिक लाइव टीवी, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया सारा बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए उनसे बात करते हैं कि जो 7 मई को प्रोग्राम है उसकी पूरी डिटेल, क्या 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 प्रोग्राम है। शादी सम्मेलन जिसमें 11 बच्चियों की शादी है। इससे पहले भी आप कर चुके हैं? हाँ, पिछली जब पहली बार करा था उसमें 7 बच्चियों की शादी करी थी, इस बार 11 बच्चियों की शादी है। हमारे साथ एक मौलाना जी, उनसे ही बात करते हैं। देखिए ये अभी जो 7 मई को जो शादी राधे राधे उत्सव गार्डन और जन्नतों वाली मस्जिद के पास हम जो करा रहे हैं, इससे पहले भी हमने 7 शादियां कराई थी पिछली साल, और अब अल्लाह ने हमें और नवाजा है हमारी कमेटी को, तो हम अब 11 शादियां करा रहे हैं। और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम हम सब के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई नॉन मुस्लिम जोड़ा आया नहीं जो हम उसकी शादी करा सकें। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई नॉन मुस्लिम जोड़ा हो तो इंशाअल्लाह अगली साल से वो आए तो उनके रीति रिवाज के हिसाब से ही उनका शादी कराई जाएगी। भाई हमारे साथ कमेटी कुछ लोग, उनसे ही बात करते हैं। जी, हमारा नाम आजी शेख आफ्ताब। क्या कमेटी में क्या है? कमेटी में हम सेक्रेटरी। हम ये कहना चाहते हैं कि हमने जो भी काम शुरू किया है ये शहर के और ज़िले के जो भी मतलब बेसहारा लड़कियां आएंगी, उसमें मुस्लिम या अदर किसी भी कास्ट की हो, हम उनके सबके लिए तैयार रहते हैं कि और उनकी उनकी रीति रिवाज के हिसाब से उनकी शादियां कराना चाहते हैं। आपने देखा ये हमारे साथ ऑल इंडिया उलमा के जिला जज भी थे, उनके साथी लोग भी थे, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे समाज के हटके भी कोई लड़कियाँ जो बेसहारा आएंगी उनकी शादी का जिम्मा हम ही लेंगे। आज देखिए इटावा से रानू दीक्षित की खास रिपोर्ट।